हेडिंग पढ़कर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन लोग हैं भाई जो सड़क पर ही खेती कर रहे हैं। तो चौंकिए मत, क्योंकि ऐसा सही में हो रहा है। जब सड़क और खेत में अंतर ही नहीं रह जाएगा तो लोग और क्या करेंगे। जब सड़क चलने जैसी होगी ही नहीं तो उस पर खेती ही सही। ज्यादा सोचिए मत, आइए अब आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल ये मामला गाजीपुर के विकास खंड मरदा के रूहीपुर गांव का है। यहां एक सड़क ऐसी है जिसको देखकर शायद ही आप इसको सड़क कहेंगे। ग्राम पंचायत रूहीपुर में हरिजन बस्ती को जाने वाले संपर्क मार्ग की स्थिति इतनी बदहाल है कि उस पर चलना मुश्किल है। थोड़ी सी बारिश में पानी लग जाता है, आए दिन लोग गिरकर चोटिल होते हैं। ग्रामीणों की माने तो ग्राम प्रधान व संबंधित अधिकारियों से कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन इसके बाद भी समस्या के निदान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण रविवार को गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन को आईना दिखाते हुए धान की रोपाई कर अपना विरोध दर्ज कराया। आइए गांव वालों से ही सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। यह सड़क कब से खराब है? साल जब बरसात होती है पानी लग जाता है। तो बरसाते का पानी आता है कि और पानी? ये बगल में थोड़ा नाली है उसका भी लग जाता है। नाला का पानी भी आ जाता है? जी हाँ। कितने फीट गड्ढा है? लगभग 1 से 1.5 फीट करीब। 1 से 1.5 फीट गड्ढा। अच्छा, रागीर आते जाते हैं तो उसमें गिरते हैं? जी हाँ। कितने रागीर गिर चुके? डेली गिर जाते हैं 2-4। डेली गिर जाते हैं तो चोटिल हो जाते हैं कि बच जाते हैं? चोटिल भी हो जाते हैं। हमारे सामने यहीं पे घर भी है, हम देखते हैं, उसको उठाते भी है, करते हैं। अच्छा, गिर जाते हैं। इसका बनवाना अति आवश्यक है? एकदम अति आवश्यक है। प्रधान सीट से कहे इसके? जी हम पक्का बार कहे, प्रधान से भी 5-6 बार कर दिए हैं। प्रधान को इतना भी हम जाके सहयोग करने के लिए बोल देंगे, 5 टली माटी हम गिरवा दे रहे हैं, आप उस पर मिस्त्री और लेबर लगा खरंजा उसको बनवा दीजिए, तभी नहीं प्रधान सुने। अच्छा, इतना कहने के बावजूद भी प्रधान नहीं सुने? जी नहीं। अरे सड़क की सालन से खराब है। सालों से खराब है? अच्छा, इसमें पानी हमेशा लग जाता है? पानी हमेशा लग जाता है, बरसात होती है तो उस नाली वाली का पानी आता है तो उसमें छींच करके कीचड़ बना देता है। अच्छा, ये अकर कितना फीट गड्ढा है? 1 फीट करीब, 1.25 फीट गड्ढा है। गड्ढा है तब तो इसमें जो रागीर आते जाते वो भी गिरते हैं? आते जाते हैं सब, गाड़ी वाला गिरते हैं, पैदल भी आ जाए वाला कहीं स्लिप खा जाते तो वो भी गिर जाते हैं। अच्छा, चोटिल भी हो जाते हैं? चोट हो जाती है। अच्छा, इसकी शिकायत प्रधान से हुई? प्रधान से इसकी शिकायत हुई? प्रधान सेक्रेटरी से? प्रधान से शिकायत की है लोग, लेकिन प्रधान या सेक्रेटरी सुनते हैं नहीं? नहीं सुनते हैं ना। तो सुना आपने, आए दिन लोग इस रास्ते पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। हालांकि जब हमने ग्राम पंचायत अधिकारी सचिन कुमार से इस बारे में पूछा तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि 2 से 3 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी। सचिन कुमार, ग्राम पंचायत रूहीपुर में एक समस्या दिखाई दे रही है जो काफी दिनों से सड़क पर जल जमा है, क्या है यार? मैं उसका स्थलीय जांच किया हूँ और 2-3 दिन के अंदर मैं उस पर कार्य करूँगा। इससे कितने लोगों को निजात मिलेगी? 100-150। हालांकि सभी ने एक स्वर में कहा कि यदि 15 दिन के अंदर सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया तो समस्त ग्रामवासी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रदर्शन में मुख्य रूप से छोटू यादव, मोतीराम, सुरेंद्र शर्मा, हरिनाथ राजभर, अरविंद राजभर, अजय कुमार, राम वृक्ष विंद, रमेश शेखर, संजय शंभू, नंदलाल आदि लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल